और ये तस्वीरें इस वक्त, प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल वासी, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और यहां पर उद्घाटन, एक बड़ी सौगात यहां पर काशीवासियों के लिए। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक बड़ी सौगात यहां पर काशीवासियों को दी है। शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए, कई परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, साथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें, वाराणसी पहुंचे हैं पीएम मोदी, पीएम ने शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन यहां पर किया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वाराणसी पहुंचे हैं पीएम मोदी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, बताइए किस तरीके से काशी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासतौर से जो नेत्र रोगी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, ना केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल और पूर्वांचल सटे हुए बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 सर्जियां जो सर्जरी है वो फ्री में करेगा ये हॉस्पिटल। कांची कामकोटी पीठम जो है उसका ये जो मेडिकल ट्रस्ट है उसकी ओर से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरा हॉस्पिटल है, इससे पहले कानपुर में पहला हॉस्पिटल है और ये दूसरा हॉस्पिटल है। तो 30,000 सर्जरी, इसके अलावा ये 80-20 के रेशो पर ये हॉस्पिटल काम करेगा, यानी कि 80% मरीजों का मुफ्त में इलाज और 20% जो मरीज होंगे जिनसे शुल्क लिया जाएगा उनके ही पैसों से इलाज। तो ये नेत्र रोगियों के लिए बड़ा ये अस्पताल खुला है। और करीब अगर हम देखें वाराणसी में तो BHU और जो सरकारी अस्पताल है, चाहे दीनदयाल हो चाहे मंडली अस्पताल हो, यहाँ के जो नेत्र विभाग है उस पर भी एक तरीके से बहुत लोड कम होगा। और खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ, क्योंकि ये रिंग रोड में बना है तो ऐसे ग्रामीण इलाकों के लोगों को पहुँचना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के लिए एक सुझाव दिया था, जिसके बाद कांची पीठ के जो शंकराचार्य हैं विजेंद्र सरस्वती, उन्होंने वाराणसी में इस अस्पताल को खोलने का इरादा किया। और आज जब प्रधानमंत्री की इच्छा पर अस्पताल बना है तो खुद प्रधानमंत्री यहां पर इसका शुभारंभ करने आए हैं। और एक खास बात यह भी है कि जो गुजरात में काशी कामकोठी पीठ ने जो हॉस्पिटल बनाया था उसका बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया था। और आज काशी में जब यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है तो बतौर प्रधानमंत्री काशी के सांसद आज वो इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं, उद्घाटन किया है। यहीं पर संतों के साथ एक संवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहीं पर एक छोटी सी जनसभा भी है। तो इस जनसभा करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए, ये तमाम सारी जानकारियां प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ से। उनके साथ संत भी मौजूद है, कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद है। और कैसे कैसे यहाँ पर होगा, खास बात यह है कि यहाँ के बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक पूरा कैसे ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जिसमें बच्चों को जो आंख संबंधी समस्या होती है उसका इलाज किया जाएगा। तो ये तमाम सारी जो जानकारियां हैं, तमाम सारी जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अस्पताल जो प्रबंधन है काशी कामकोटी पीठ का जो मेडिकल ट्रस्ट है उससे जानकारी ले रहे हैं। संतों के बीच में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लाजमी है कि जब संत होंगे तो सनातन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। सनातन के कई विषयों पर भी संतों के साथ चर्चा होगी, कुछ शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती खुद ही मौजूद है। तो ये तमाम सारी जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है और वहां से आकर फिर सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे जहाँ पर जनसभा रखी गई है, जहाँ खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद रखा गया है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री करीब
45 मिनट से एक घंटे रहेंगे और उसके बाद फिर वहां से सड़क मार्ग के जरिए सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां पर जो कार्यक्रम है सौगात देंगे काशीवासियों को और पूरे देश को। इस तरीके से काशी समेत देश के अलग अलग शहरों में जो नए टर्मिनल भवन की नींव रखी है, कई जगह टर्मिनल भवन बन गए हैं, सिविल इंक्लेव जहां कहीं बन गए हैं वहां का लोकार्पण काशी की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो फिलहाल संकरा आई हॉस्पिटल में है और संकरा आई हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो हॉस्पिटल है उसका शुभारंभ करने के बाद अस्पताल का जायजा ले रहे हैं और यहीं पर फिर एक छोटी सी जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठा रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के रूप में हो या गरीबों के मुफ्त इलाज के रूप में हो या नए जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए एम्स का जो प्लानिंग है वो कहाँ कहाँ पर है और क्या जो स्वास्थ्य का जो मूलभूत ढांचा है उसको किस तरीके से सरकार उसको मजबूत कर रही है, बजट में क्या क्या स्वास्थ्य के जो स्ट्रक्चर है उसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए, तमाम सारी जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां पर साझा करेंगे और संतों के बीच में प्रधानमंत्री बात रखेंगे। और ये एक बात ये भी है कि देखिए ये काशी कामकोटी पीठम की ओर से अस्पताल खोला गया है और आज विश्वनाथ धाम की ओर से भी मंदिर की ओर से आज निशुल्क भोजन की भी शुरुआत की जा रही है। जितने भी संस्कृत के जो विद्यालय हैं वहां के विद्यार्थियों के लिए, इसके अलावा जो अस्पताल है वहां के लिए कैसे आज निशुल्क भोजन की शुरुआत की जाएगी, प्रधानमंत्री आज मंच से इसकी घोषणा करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से निशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और उसकी शुरुआत भी की जाएगी। तो मंदिरों का किस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में एक बेहतर काम हो सकता है, लोगों के लिए हित में कैसे बेहतर काम हो सकता है, इसकी भी नजीर विश्वनाथ मंदिर की तरह आज कैसे दी जा सकती है देश के अलग अलग मंदिरों को, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात अपनी रख सकते हैं, ये तमाम सारे मसलों पर अपनी बात रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी संकरा आई हॉस्पिटल में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और शंकराचार्य भी मौजूद हैं और इस तमाम सारी जो हॉस्पिटल को लेकर जो चर्चा है कि कैसे मरीजों की ओपीडी होगी, कैसे पंजीकरण होगा, कैसे जो गरीब मरीज हैं उनका इलाज होगा, 80% गरीब मरीजों का इलाज होगा, इससे पहले हॉस्पिटल का जो इस साल का जो सर्जरी का टारगेट है वो क्या है, कैसे उस टारगेट को पूरा किया जाएगा, तमाम सारे बड़ी बात ये है कि अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूरे पूर्वांचल की, तो आप क्योंकि कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सियासी नब्ज को और तमाम पहलुओं को, मुद्दों को बड़ी बारीकी से आप समझते रहे हैं। एक वक्त पूर्वांचल को काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था, रोजगार नहीं था, तमाम सुविधाएं नहीं थीं। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, इन तमाम चीज़ों में पूर्वांचल ने जो रफ्तार पकड़ी है वो पूर्वांचल के विकास को भी नए पंख लगा रहा है। बिल्कुल, देखिए बेशक अनुपम आपने जानते हैं और आपने हमेशा इन मुद्दों पर आपने बेबाकी से बात भी रखी है और देखिए ये पूर्वांचल हमेशा से ही जो है पिछड़ा माना जाता था, गांव पिछड़े माने जाते थे, मूलभूत जो सुविधाएं थी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इनका बड़ा अभाव हुआ करता था। लेकिन अगर आज आप 10 सालों में पूर्वांचल को देखिए तो पूर्वांचल की तस्वीर बदली है और जो पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है वो बनारस बन गया है। और ना केवल पूर्वांचल, अगर आप इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़े मैप में देखिए तो आप इन आंकड़ों समझिए कि बनारस में बीएचयू के हॉस्पिटल में पर डे 5000 पर्चे बनते हैं ओपीडी के, जिसमें करीब 2500 पर्चे, 3000 पर्चे बिहार वेस्ट जो बिहार है वो और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के जो सटे हुए इलाके वहां के मरीज आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस की इंपॉर्टेंस क्या थी स्वास्थ्य के लिहाज से और शिक्षा के लिहाज से। बीएचयू देख लीजिए, अगर बीएचयू में 80% बच्चे इन्हीं क्षेत्रों से दूसरे प्रदेशों के आते हैं तो ये केवल जो बनारस में विकास हो रहा है, जो बनारस में प्रधानमंत्री की जो सौगात दी जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से, वो सौगात केवल वाराणसी के लिए, पूर्वांचल के लिए नहीं, बल्कि उसका एक मेजर इफेक्ट जो है वो पूरे जो ईस्ट की कंट्री है, ईस्ट के जो प्रदेश है उनको पहुंचता है।
मसलन जो आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज प्रधानमंत्री तोहफा देंगे शंकरा आई हॉस्पिटल के पास, उसको समझिए कि अभी तक जो ओलंपिक्स के नॉर्म पर जो नॉर्म्स हैं उन पर कोई भी खेल की सुविधा बनारस में नहीं थी, लेकिन आज जब वो ओलंपिक्स के खेल के उनके आधार पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है उसका तोहफा देंगे तो न केवल बास्केटबॉल, तैराकी, टेबल टेनिस, इसके अलावा जो अन्य खेल है कुश्ती, इनकी प्रतिभाएं अब काशी से निकलने लगेंगी। जब काशी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो स्विमिंग पूल बनाया गया है, तैराक भी निकलेंगे, तो ये एक शुरुआत होती है प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको मंच देने के लिए। अब इसको और बड़े उससे देखिए तो यहाँ पर इसी स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस का ग्राउंड बना गया है और दूसरी ओर रिंग रोड पर ही बनारस में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो आने वाले वक्त में न केवल प्रैक्टिस बल्कि बड़े बड़े जो खेल आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, चाहे वो टेस्ट के मैच हो, चाहे वनडे के मैच हो, चाहे वो T20 के मुकाबले हो, वो वाराणसी में होगा। तो बनारस और पूर्वांचल क्रिकेट का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो लखनऊ, अभी तक उत्तर प्रदेश में देखें तो लखनऊ कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अब जब बनारस में भी क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो न केवल खिलाड़ियों को सुविधा होगी, रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। तो एक विकास का एक काम केवल सीधे प्रत्यक्ष रूप से भले ही आपको खिलाड़ियों के लिए दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बड़े लोगों को इसका लाभ मिलता है और यही बात है। और क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से विकास आगे बढ़ता है। आपकी एक बात पे मैं रुकूंगा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से हम देखें काशी की, वाराणसी की और आसपास के पूरे इलाके का जो आध्यात्मिक महत्व है, जो दूर दूर से दूसरे राज्यों से यहाँ पर उन्हें खींच करके लाता है, अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस आध्यात्मिक पहचान के साथ, इस आध्यात्मिक लगाव के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें काशी में ऐसी होंगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, जो कहीं ना कहीं लोगों को काशी आने पर मजबूर करेंगी। बिल्कुल अनुपम, और इसकी शुरुआत विश्वनाथ धाम बनने के बाद हो गई। आप ये समझिए कि हमने आपने जब न्यू ईयर की पार्टी और जो क्रिसमस 25 दिसंबर से लेकर न्यू ईयर तक यानी कि 5 जनवरी तक हमेशा जो सबसे ज्यादा भीड़ देखी है वो गोवा में देखी है अपने कॉलेज के दिनों में। आप ये समझिए कि पिछले 3 साल के आप आंकड़े उठा के देखिए, 4 साल के आंकड़े उठा के देखिए, होटल एसोसिएशन के बयान पढ़ के देखिए कि गोवा से ज्यादा बुकिंग बनारस में हो रही है। और ताजा उदाहरण से इसको ऐसे समझा सकता है कि अगले 25 दिनों तक बनारस में मंगला आरती, बनारस में सप्तऋषि आरती की टिकट फुल है, यानी के पहले से ही एडवांस बुकिंग है 45 दिनों की। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, ये तब मुमकिन हुआ जब बेहतर, बनारस को हर कोई आना चाहता, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से बनारस की हुई हो, चाहे वो हवाई सेवा के रूप में हो, खुद नए टर्मिनल बिल्डिंग की आज प्रधानमंत्री न्यू रखने जा रहे हैं, तो हवाई सेवा हो, सड़क हो, इसके अलावा रेल मार्ग हो, सभी को सुधारा गया, विश्वनाथ धाम के आसपास सुविधाएं दी गई, बड़ा विश्वनाथ धाम बना, आराम से दर्शन होने सके। इसलिए ये कोशिश जब कभी विकास के लिए एक पूरा रोड मैप होता है तो आपको कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ना होता है। तो जिस वक्त 2014 में प्रधानमंत्री काशी से जीते थे उस वक्त का स्ट्रक्चर क्या था, आज का स्ट्रक्चर क्या है, तब कितने भक्त आते थे, आज सारे आंकड़े हर साल। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे।